खूब अच्छा पढ़ाना जब मुझे अच्छा लगता पढ़ना मात करने का दौरा स्कूल आती हूँ मैं और मैं लौट गिन लेती हूँ सब गिन लेती हूँ मात करने मुझे सब बता रही है सब में गिन लेती हूँ मैं मात करके बहुत अच्छा लग रहा मुझे बात करने मेरे को यहाँ पर मैं 2013 से अपॉइंट हूँ और जब से मैं यहाँ आई हूँ ये अम्मा मेरे पास मैं आती रहती थी अपनी समस्याओं को लेकर। आर्थिक स्थिति इनकी थोड़ी कमज़ोर है तो इनकी पेंशन भी नहीं थी, वृद्धा पेंशन। तो एक्चुअली ये हमेशा ये कहा करती थी कि मास्टर जी मेरी पेंशन लगवा दी। तो मैंने इन्हें यूँ करके कन्विंस करा कि मैंने कहा अम्मा जी आप यदि मेरे विद्यालय में आओगी और मेरे से पढ़ोगी आधा घंटा चाहे एक घंटा आप मुझे प्लीज़ दो तो मैं आपको पेंशन आपकी मैं लगवाऊंगी। तो अम्मा इससे बहुत इंस्पायर होकर अम्मा आने लगी और अब पिछले 10 महीने से ये रेगुलर मेरे पास आ रही है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक सीख लिया, गिनती सीख ली। इवन ये कि गिनती ये 1 से 100 तक इस तरीके से तो नहीं बोल पाती हैं कि 98 या 95, लेकिन ये 1 से 20 तक करने के बाद में फिर दोबारा अगेन 1 से 20 करने के बाद में कि 40 और फिर उसके बाद में फिर 1 से 60 इस तरीके से करके ये 100 से ऊपर तक की काउंटिंग कर लेती हैं, नाम लिख लेती हैं और अपना हिसाब किताब सब सही से कर लेती हैं सर। और कठिनाइयाँ तो बहुत आई मेरे को क्योंकि अम्मा थोड़ा सुनने में इनको परेशानी होती है, 2 साल से इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो थोड़ा दिखने में भी इनको प्रॉब्लम है। लेकिन अम्मा 92 साल की एज होने के बावजूद सर इनके अंदर एक इतनी चाह है पढ़ाई के प्रति कि अम्मा अपने खुद ही आ जाना कि मास्टर नहीं मुझे पढ़ा दो, बच्चों के साथ बैठती हैं, गिनती याद करती हैं या बच्चे जो भी बोल रहे हैं अक्षर का ज्ञान है तो उसे ओरल आराम से बोल लेती हैं, मौखिक उच्चारण अच्छे से कर लिया करती हैं।